रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है. ठीक है गाइज, आज लेक्चर नंबर 2 है वर्क पावर एनर्जी. ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है, अभी सब लोग शांत रहो, सब लोग म्यूट रखो, सब लोग म्यूट रहो, सब लोग म्यूट रहो, सिर्फ मेरा ही आवाज आना चाहिए. ठीक है, कोई मैं जिस वक्त बोलूंगा उसी वक्त आपको बोलना है. अभी आपको 5 मिनट कुछ नहीं बोलना है, मैं पूरा रिविजन करूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बोलना है लेकिन आपको बोलना कुछ नहीं है. ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है. कल का टॉपर वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं, अभी नहीं, पहले चालू करते हैं. ठीक है, तो ये वर्क पावर एनर्जी है. ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी का मैं क्विकली आपको थोड़ा सा एक ये दे देता हूँ, मतलब रिकैप देता हूँ कि रिकैप क्या क्या है. ठीक है, तो रिकैप में देता हूँ आपको क्या है. यहाँ पे देखो, पहली चीज मैंने मतलब कल के लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में बताई थी, जो एक अराउंड एक हफ्ते पहले हुआ था, क्योंकि एक अपना लेक्चर कैंसिल हुआ. तो वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, और इसको मैंने लिखा था एफ एस कॉस थीटा. तो ये मेरा एक्चुअल फोर्स वर्क का डेफिनेशन था, विच इज एफ एस कॉस थीटा, राइट. उसके बाद मैंने ये था कॉन्स्टेंट. देखो, फोर्स जब कॉन्स्टेंट होता है, मतलब मेरा फोर्स कॉन्स्टेंट होगा तो ये काम में आता है. ठीक है, ये डायरेक्टली काम में आता है. उसका अपन ने अलग अलग चीजें भी देखी थी, तो ये अपना हो चुका था. उसके बाद सपोज फोर्स वेरिएबल होगा, फोर्स वेरिएबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल वर्क निकालते हैं, स्मॉल वर्क का फिर इंटीग्रेशन करते हैं. तो एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया मेरा स्मॉल वर्क का, उसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट डाल दिया, तुम्हारा काम हो गया, राइट. तो ये हो गया मेरा सेकंड वर्क. तो वर्क का एक नॉर्मल डेफिनेशन, व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, एंड ये कब काम में आएगा, व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल. देखो यहाँ पे ये कब काम में आएगा, व्हेन फोर्स इज एफ इज वेरिएबल, ये वेरिएबल का काम है. ठीक है, तो फोर्स जब वेरिएबल होता है तो इस तरीके का कुछ चीज काम में आती है, राइट. अब उसके बाद ये दोनों चीजें होने के बाद अपना थर्ड चीज, मतलब मैंने आपको अलग अलग वर्क डन मतलब मेथड्स बताए थे, कैसे कैलकुलेट करना है वर्क डन, एरिया अंडर द एफएस कर्व होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व का डायरेक्टली एरिया मुझे वर्क मिलता है, फिर फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे करना है. मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, मतलब इस एग्जांपल में आपको मैंने बोला था कि सपोज मेरा फोर्स है लेट्स से 2x, तो फोर्स सपोज 2x होता है और डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 है, तो इस फोर्स की जगह अपन 2x डालते हैं, dx डालते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 जो भी होगा, ये मेरा आंसर था, राइट. तो इस तरीके से अपन वर्क को निकालते थे. आपको ये आंसर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये जस्ट रिविजन कर रहा हूं. अब इसके बाद हम लोग ये होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे फोर्सेस का नाम लिखता हूं. जैसे होता है ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, जिसका इसका हर एक का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको होना आना चाहिए. मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी का सबसे सिंपल एग्जांपल, मैंने अलग अलग एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, आपको याद होगा, आपको क्या करना है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. मतलब बेसिकली मैं ऐसा पकड़ लू, मतलब सपोज एक ब्लॉक है वो ऐसे करके इधर आया, ठीक है, ये मास एम है और इसका हाइट सपोज यहां से एच दिया हुआ है, ठीक है, या हाइट एच दिया हुआ है, अब ये पूरा ऐसा करके इधर आया, ठीक है. तो अब मुझे इसके में बताओ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा. वर्क डन बाय ग्रेविटी होने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे mg नीचे है, ठीक है, ये हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन, ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन. अब मैं क्या करूंगा, ग्रेविटी के वर्क के लिए इनिशियल फाइनल को ऐसे कनेक्ट करता हूं. ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितनी है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, एच है. तो mg एंड h दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा. तो ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ पे हो गया mgh. तो ये चीज मैंने ऐसे करवाई थी पिछले वाले लेक्चर में, ये सब किया था मैंने. फिर उसके बाद मैंने एक ये चीज बोल दी कि सपोज एक स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी, वो स्ट्रिंग को मैंने एक मास m को यहाँ पे लटकाया और छोड़ दिया, इसका लेंथ l है, तो ऐसा करके नीचे आएगा, ऐसा करके नीचे आएगा और सपोज ये मास जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है. तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, इनिशियल इनिशियल लिखने का, फाइनल लिखने का, और वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी mg फोर्स नीचे है, ठीक है, और यहाँ पे mg का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है l. तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mg इंटू l, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे
तो ये भी मैंने आपको करवाया था, वर्क डन में ग्रेविटी हो जाएगा यहाँ पे MGL। तो मुझे बता एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कुछ फर्क होता है क्या? एक्चुअल मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये हो गई मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को नहीं लिखना है, ग्रेविटी के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। तो ये था मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी का अलग 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 एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा इसके ऊपर ही चाहिए तो एग्जाम्पल, ये सब रिविजन था गाइस, रिविजन था, आपने शायद से मुझे लगता है कि आपने ये भी देखा होगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दोनों केसेस में क्या होगा, आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाओगे, ठीक है, बताओगे। मतलब एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू, फिर इसके बाद अपन आगे जाएंगे। जैसे मैंने कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है, यहां से मैंने एक ब्लॉक को छोड़ा, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से ये 2 kg का ब्लॉक है, यहां से ये इसका जो हाइट है, ये इसका हाइट मैंने दिया है कुछ H1, और H1 की वैल्यू है लेट्स से 10 m। इसको यहां से छोड़ दिया, ये ब्लॉक इधर आया। एक सिंपल सी बात है ना, ब्लॉक कैसे आएगा देखो ना, ऐसा जाके ऐसे आएगा, देखो ऐसा 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 गया 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 गया, ऐसा घूम के वो इधर आया। और ये जो हाइट इसका दिया हुआ है लेट्स से 4 m, कितना 4 m, ये 10 m दिया है, 4 m दिया है ग्राउंड से। अब बोला इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ये पिछले वाला क्वेश्चन है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, चैट पे लिखोगे, कुछ बोलोगे नहीं, चैट पे लिखोगे, सब लोग मतलब म्यूट ही रहोगे। और जिनको मेरा नॉर्मल स्क्रीन चाहिए उधर पिन पॉइंट कर सकते हो, मतलब मेरा ही स्क्रीन रहेगा फिक्स, ठीक है, ठीक है, पिन पॉइंट करके रखो। जिन लोग को मेरा स्क्रीन चाहिए प्रॉपर, मतलब जो लोग वीडियो कैमरा से देख रहे हैं, तो मुझे डायरेक्ट देख रहे हैं, और कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग देखा करो, कभी कभी ये देखा करो। ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है गाइस, मेरे हर एक क्वेश्चन में ग्रेविटी की वैल्यू 10 होगी जो मैं दूंगा, ठीक है, करो। ये पहले ये करो, लास्ट का स्क्रीन में बताऊंगा बाद में, दिखाऊंगा बाद में, पहले ये करो। हाँ ठीक है, इधर क्या बता गया, 3 मिनट। ठीक है गाइस, अब यहां पे देख लो, ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर दे चुके हैं, ठीक है। आंसर देखो यहां पे क्या करेंगे, मैं पहले देखो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसे क्वेश्चन में ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल पॉइंट। सो दिस इज माय, अरे यार ओके सॉरी, ये जो पॉइंट था मेरा, ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये हो गया मेरा इनिशियल, ये हो गया मेरा फाइनल। तो इनिशियल फाइनल लिखने का, अब ग्रेविटी फोर्स कहां पे है, तो ग्रेविटी फोर्स अपन चलो रेड कलर में लिख देते, ग्रेविटी फोर्स नीचे है एमजी, एमजी मतलब कितना है, नीचे है 20, सो 20 इज माय ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अब एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट लेना होता है क्या? नहीं लेना होता, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना होता है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली तुम देखोगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है कौन सा वाला, ये 10 है, ये 4 है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, देखो एक ये वाला, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये 10 था, ये 4 था, तो 10 - 4 की वैल्यू कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, एच की वैल्यू कितनी हुई, 6, विच इज H1 - H2, तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6, 20 N फोर्स था, ठीक है, तो ये 20 N का फोर्स है, 6 m वो है MGH, ग्रेविटी का डायरेक्शन। तो बेसिकली वर्क डन इस केस में होगा 20 × 6, विच इज 120। कोई दिक्कत है, 120 J। अब मैं क्यों आया, कैसे आया बताऊंगा, मतलब मैंने इसका अभी तक डेरिवेशन बताया नहीं कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं,
वो उसका बताऊंगा, लेकिन आपको एटलीस्ट ये आ गया, मतलब रिकॉल हो गया पूरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक बार हाय बोलो। हाय हाय सर। हाय सर। हाँ चलो ठीक है ठीक है। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। मुझे लगा कि तुम लोग बोल रहे हो और मुझे आवाज नहीं आ रहा है। अभी बोलना नहीं है तुमको, बोलना नहीं है, मतलब अच्छी अच्छी चीज कर दो, बोल नहीं रहे हो तुम। ठीक है, हाँ। अब ग्रेविटी का वर्क हो गया। मैंने कौन से चीजें बोली थी? एंड ऊपर करो ना। ओके, ऊपर मतलब इसके ऊपर वाला, ये वाला वीडियो का ऑप्शन दो ना। नहीं सर, क्या किसका ऑप्शन दू? पिन वीडियो का, समझा नहीं। स्क्रीन पिन वीडियो, सो हम लोग आपका ही स्क्रीन देख सकते हैं सिर्फ, मतलब आप जैसे। स्क्रीन वीडियो, एक मिनट, ये कहाँ पे होता है? वेबिनार सेटिंग में क्या? एक मिनट मुझे देखने दो। अरे मुझे मतलब, अरे मैं अभी, मेरे को टाइम ही नहीं मिला इसके ऊपर, क्योंकि 3-4 दिन तो साला बीमारी था मैं, तो मेरे को वो मेरा सब कैमरा भी मेरा भी वैसे ही पड़ा रहा है। वो लाया हुआ, एक मिनट, शो नेम मेन मॉडल शो। सर एक सेकंड, नीचे करो ना, ऊपर नीचे करो, नीचे आना चाहिए। एक मिनट, म्यूट अपॉन एंट्री। नहीं, वो कुछ ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं। वो तो अभी अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मेरा ही वीडियो देखेगा, राइट? मुझे तो पिन वीडियो ना, पिन वीडियो होता रहेगा वैसे। पिन वीडियो मतलब मुझे डबल क्लिक करने से या ऐसा कुछ करने से होता है, मतलब जितना मुझे याद है। अब वो तो मोबाइल पे डबल क्लिक करने से होता है, हाँ मोबाइल पे डबल ऑप्शन लगता है। कंप्यूटर पे ऑप्शन नहीं है क्या? पता नहीं फिर। तो वो पीसी पे ऑप्शन है, पीसी पे ऑप्शन है और नहीं दिख रहा है, पता नहीं फिर तो तुम्हारा। नहीं सर, चलो ठीक है। छोटे पिन वीडियो में मतलब वो छोटा साइड में स्क्रीन, उसके ऊपर एक राइट में कॉर्नर में से टैब है, उधर प्रेस किया तो पिन होता है वीडियो। हाँ देखो देखो, वो जो बोल रहे हो होता सही है, है, होता है। होता है वो। तुम अपना सेटिंग देख लो, मतलब तुमको मिल जाएगा वो सेटिंग। अब वो तुम देख लो, ठीक है? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय टेंशन। अब यहाँ पे देखो, तीन चीजें आपको दिख रही है, तीन चीजें दिख रही है वर्क डन बाय टेंशन। जहां पे आपको पहले क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे पेंडुलम दिख रहा है। देखो यहाँ पे पूरा पेंडुलम जब ऐसे ऐसे करते रहेगा, यहाँ पे देख लो, ये पूरा का पूरा जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम देखो क्या कर रहा है। पेंडुलम क्या ऐसा लगा रहता है, ऐसा 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 करते रहता है, राइट? जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पेंडुलम है। अब पेंडुलम में एकदम सिंपल सा बात मुझे बताओ, मैं एक काम करता हूं, इसमें दो टाइप के मैंने मॉडल दिखा है। ऐसा पकड़ लो कि ये फिक्स नहीं है, जो यहाँ पे फिक्स किया है, फिक्स नहीं है, और ये पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। तो मुझे होता है इस केस में वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहले केस में तो पहले टेंशन निकालना पड़ेगा। टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन फोर्स निकालने के लिए इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। टी ऊपर, एमजी कहां पे? नीचे। तो बेसिकली टेंशन का एफबीडी क्या होगा यहाँ पे? टी माइनस क्या होगा? एमजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए, राइट? तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस यहाँ पे? एमजी प्लस क्या? एम ए। और किसने बोला कि यहाँ पे ऊपर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से ब्लॉक का ऊपर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम लोग कि ब्लॉक ऊपर जाना चालू किया, मतलब ये पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है। तो ब्लॉक का ये जो मास एम का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, मतलब ऐसा पकड़ लो ये पूरी की पूरी जो चीज है ना, कि ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ए से। तो मुझे बताओ वर्क डन बाय टेंशन इस केस में कितना हो गया? टी इंटू क्या हो गया? टी इंटू क्या हो गया? एस। वर्क डन बाय टेंशन डायरेक्टली टी इंटू एस कर दिया, इसमें कुछ है ही नहीं अपना भाई, डायरेक्टली वर्क डन बाय टेंशन मेरा टी इंटू एस आ गया। टी इधर से पता है अपने को, और एस यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा आंसर आ गया। तो टी की वैल्यू तो मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है ना, एम ऑफ जी प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा? एस। ये मेरा आंसर आ जाएगा फिर वर्क डन बाय टेंशन में, ठीक है? तो इसका तो केस हो गया, ये तो एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रखना है? देखो यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय टेंशन लिखा है यहाँ पे, और कौन से केस में? पेंडुलम के केस में, क्योंकि ये बहुत बार अपने को आने वाला है, बहुत बार अपने को आने वाला है पेंडुलम, ऐसा आगे पीछे आगे फिर जाते रहेगा। देखो यहाँ पे जो दिखा दिखा रहे अपन, ऐसा 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 हो रहा है ना,
ये होते ही रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इधर इस तरफ ये वाला जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, ये पेंडुलम अपना इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर इधर से जा रहा है, इधर ये जाता रहेगा। तो उसका ना अभी मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट मतलब क्या, इधर ले लेता हूँ। अब ऐसा पकड़ लो, इस पूरे मोशन में आप अच्छे से देखो, अच्छे से देखोगे तो टेंशन हमेशा कहां पे रहेगा, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। सर्कुलर मोशन में किया है ना, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, सेंटर सपोज ये है तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, ठीक है। एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेंजेंट, राइट। जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, टेंशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। यस सर। तो एंगल तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन बाय टेंशन गाइस, इस केस में वर्क डन बाय टेंशन, देखो छोटा वर्क, देखो ये ब्लॉक सपोज घूम के इधर भी आता, मैं भी दूसरा ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ चाहिए तो, देखो यहाँ पे मैं दूसरा एक केस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ब्लॉक घूम के सपोज एम अब इधर आ गया पूरा का पूरा, घूम के इधर आ गया, इधर भी आप देखोगे, इधर भी आप देखोगे, इधर भी इसका टेंशन टुवर्ड सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ पे रहेगा और परपेंडिकुलर रहेगा। तो हर एक छोटा छोटा वर्क, इसमें स्मॉल वर्क किया, इसमें स्मॉल वर्क जीरो हो गया, इधर का भी वर्क कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे सारे स्मॉल वर्क जीरो करते गए तो इसमें टोटल वर्क, वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि थीटा 90 है। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, स्मॉल वर्क क्या होता है, टी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, बराबर ना, एफ एस कॉस थीटा। कॉस 90 जीरो है तो एक्चुअली वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका जीरो, तो ध्यान में रखना वर्क डन बाय टेंशन इन सर्क्यूलर मोशन इज कितना, जीरो। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, चाहे तो एक अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू जीरो इन विच मोशन, इन विच मोशन, इन सर्क्यूलर मोशन। जब भी जहां पे भी सर्क्यूलर मोशन होगा वहां पे हमेशा वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, जीरो होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मेथड काम में आती है गाइस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेथड काम में आती है। फटाफट लिख दो, चलो लिख दो इसको, वर्क डन बाय टेंशन करके लिखो और ये लिख दो। आज तुमको समझ में आएगा कि कैसे वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इस मेथड से। ओके ऐसा फीलिंग आ रहा है क्लासरूम में, तो अच्छी बात है ना, क्लासरूम वाली फीलिंग देनी थी आपको। अभी तक वो कैमरा आने दो, कैमरा आने के बाद तो और आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि उसका क्वालिटी 4K है। और उसके बाद हम लोग जब उसको वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे यूट्यूब पे या फिर आपको जो भेजूंगा वो तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वीडियोज रहेंगे। अब क्या आखिर में मोबाइल का कैमरा है ना, मोबाइल का कैमरा, वो कैमरा का कॉस्ट 1.5 लाख वो जो कैमरा हमने लिया हुआ है, और उसके साथ साथ ये भी लिया है। देखो ये पूरा का पूरा अपना कैमरा में देख सकते हैं, पूरा का पूरा इसमें ये है, पूरा का पूरा अपना क्या बोलते हैं वायरलेस किट माइक, हाँ वायरलेस किट है, वो भी लगाएंगे, लेकिन मैं नहीं लगा पाया, वही बोल रहा हूँ मैं, बीमार था इसलिए, ठीक है, क्योंकि उसका सेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लिखो फटाफट, ये हो गया लिख के, समझ में आपको है? सर जस्ट अ मिनट।
हाँ लिखो लिखो, चलो 2 मिनट लो। ओके सर, फिर भी एक बार रीएक्सप्लेन कर दो ना। देख क्या इसमें क्या सोचने का पता है, सिर्फ सर्कुलर मोशन का केस जो है यहाँ पे, जो केस टू है, सिर्फ सर्कुलर मोशन के केस में वर्क डन बाय जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, समझा? हाँ सर। तो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90 ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, एफ एस कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है ना। तो इसलिए केस टू में वर्क डन जीरो है, केस वन में नहीं है ना। केस वन में देखना टेंशन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने क्या किया, वर्क डन बाय टेंशन में, वर्क डन बाय टेंशन जीरो किस मोशन में होता है, ओनली इन सर्कुलर मोशन, ध्यान में रखना। ठीक है गाइस? सर हाँ बोलो। सर आप जब कुछ खाते हो आपको टेस्ट आता है क्या, प्रॉपर जैसा नॉर्मली आता है वैसा? टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। आता सर वो कॉमन कोल्ड होगा? हाँ कॉमन कोल्ड ही है। हाँ नहीं देखो कॉमन मेरे को सपोज होता है ना, मेरे को कोरोना होगा तो आतिफ सर को होगा, आतिफ सर को होगा, सबको होगा। पूरा मास्टर क्लास कोरोना है, ऐसा हो जाएगा तो नहीं है कोरोना, नहीं है मतलब, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स है वो मतलब ठीक है यार, अपने को वैसे भी कुछ होगा भी नहीं है, हुआ तो भी सर यंग ब्लड रिकवर भी हो जाएगा। हाँ रिकवर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू। यस सर। चलो सर वेट, आगे बढ़ते। ओके रुको एक मिनट। ठीक है गाइस अभी देख लो, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है अब वर्क डन बाय टेंशन हो गया, अब किसी ने बोला वर्क डन बाय टेंशन में मैंने क्या किया तो आपको समझ में, उसका बाद में आपको रिकॉल दूंगा। अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, देखो यहाँ पे मैंने 3 चीजें ड्रॉ की है, एक कोई भी टेबल है और कोई भी टेबल पे यहाँ पे देखो मतलब ये बुक रखा है, जैसे फिजिक्स का बुक ड्रॉ किया है, अब फिजिक्स का बुक इस टेबल पे रखा हुआ है तो मुझे होता है ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, टेबल के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यस सर। ठीक है अब टेबल के परपेंडिकुलर होगा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोज ये घूमना चालू किया, लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये नॉर्मल फोर्स दोनों के अंदर का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है अब 90 डिग्री होने की वजह से मैं वर्क डन यहाँ पे लिखूं तो वर्क डन में क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90। गाइस यहाँ पे भी वर्क कितना हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे वर्क जीरो हो गया। ठीक है मैं केस वन के बाद ना सीधा केस टू पे जाता हूँ। ठीक है केस टू पे जाता हूं, अब केस टू पे देखो, केस टू पे एक ब्लॉक है जो कैसे स्लाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे स्लाइड करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है ऐसे ऐसे जाएगा वो। अब इस केस में कोई भी छोटे से अपन कंडीशन में देखते हैं, जैसे कि इस केस में देखा मैंने, तो इस केस में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा डिस्प्लेसमेंट देखा अपन, यहाँ पे छोटा डिस्प्लेसमेंट देखा डीएस। ठीक है तो अब ये नॉर्मल फोर्स एंड ये डीएस, इन दोनों का भी एंगल कितना है, 90। ठीक है अब लेट्स से ब्लॉक घूम के, लेट्स से ब्लॉक घूम के इधर आया। ठीक है मैं यहाँ पे अब ये ब्लॉक घूम के लेट्स से इधर आ गया, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ब्लॉक इधर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है अब ये ब्लॉक इधर आया मास एम का, अब यहाँ पे आप देखोगे इसका मैं नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, अब इसका भी नॉर्मल फोर्स ऐसा है। ठीक है नॉर्मल फोर्स देखो, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो भाई क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट उसके हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। फिर उसके बाद मैंने इसी चीज को वापस ड्रॉ किया, यहाँ पे किया, चलो ड्रॉ थोड़ा ऊपर इधर से आ गया। अब यहाँ पे भी देखो ये मास m है,
यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल फोर्स. देखो ना यहाँ पे, तो पूरे थ्रू आउट द मोशन में द नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो छोटा वर्क, मैं यहाँ पे छोटा वर्क लिखू, इसका छोटा वर्क कितना है, तो इसका जो छोटा वर्क होगा वो छोटा वर्क कितना होगा, जीरो. यहाँ पे भी छोटा वर्क जीरो, यहाँ पे भी छोटा वर्क जीरो, मतलब सब जगह पे वर्क जीरो 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 जीरो, सारे जीरो जीरो करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जीरो. तो मेरे को और एक रूल मिल गया मुझे, देखो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हुआ, जीरो हुआ. लेकिन इस केस में, इन दोनों केसेस में आपने देखा होगा नीचे वाला सरफेस, देखो नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है, मतलब जैसे मैंने यहां पे आपको लिखा है, यहां पे ये सरफेस भी फिक्स्ड है, ठीक है, ये सरफेस भी फिक्स्ड है, ठीक है, और यहां पे ये सरफेस भी क्या है, फिक्स्ड है. तो नीचे वाला सरफेस फिक्स्ड है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है. यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिफ्ट लगाया, देखो यहां पे लिफ्ट दिख रही है ना, देखो ना यहाँ पे एक लिफ्ट है, लिफ्ट में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, देखो लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक ऊपर जा रहा है, राइट. अब इस केस में इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा गाइस, इसका एफबीडी बनाऊंगा, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स कहां पे दिख रहा है, नॉर्मल फोर्स कहां पे, ऊपर. डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे, इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे होगा, ऊपर. तो नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो है क्या, नहीं है. यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो भी होगा वो अपन लिख देंगे. वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इस केस में हो जाएगा नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये कब हुआ, व्हेन द सरफेस इज नॉट फिक्स्ड. यहाँ पे सरफेस इज नॉट फिक्स्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सरफेस, सरफेस बिलो इज नॉट फिक्स्ड, सरफेस इज नॉट फिक्स्ड. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड केस क्या है, नॉट फिक्स्ड. दोनों में, केस वन केस टू में सरफेस फिक्स्ड है. तो मैं यहाँ पे एक रूल बना देता हूं, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, व्हेन सरफेस बिलो इज व्हाट, व्हेन सरफेस बिलो द ब्लॉक इज, द ब्लॉक इज फिक्स्ड. कोई दिक्कत, व्हेन द सरफेस बिलो द ब्लॉक इज फिक्स्ड, ठीक है. और सर लिफ्ट का सरफेस फिक्स थोड़ी यार, लिफ्ट लिफ्ट ऊपर जा रही है ना यार, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट उस ब्लॉक को लेके ऊपर जा रही है, ठीक है. तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सरफेस फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो नॉर्मल फोर्स का वर्क जीरो नहीं होगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही मिलेगा अपने को, मोस्टली सारे 99% केसेस में क्या मिलेगा, सरफेस नीचे वाला क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा, खत्म बात. देखो इसको वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, देखो फटाफट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. देखो मैं ये सारे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाले, आपको समझ में आएगा कि कितना फास्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले. देखो लिखो इसको फटाफट लिखो, yes, very small displacement is always perpendicular to normal force. It is always perpendicular to normal force. लिखो लिखो, नहीं नहीं ठीक है, दो मिनट और लो, लिख दो, तब तक बैठता हूं मैं, जैसे लिख के हो जाएगा बोल दो.
हाँ मजा तो आएगा ही। चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू। जिनको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो। स्क्रीनशॉट भी लेके रखो प्रॉपर। हाँ पीपीटी आपको मिल जाएगा, पीपीटी भेज दूंगा मैं आपको, पीपीटी भेज दूंगा, जिनका जो भी कुछ अंदर रहेगा वो आप लिख सकते हो बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन से वर्क अपने हो गए, कौन से वर्क हो गए, ग्रेविटी का हो गया, नॉर्मल का हो गया, टेंशन का हो गया। तो तीन फोर्सेस तो हो गए, पांच फोर्सेस होते, पांच, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का बाकी और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन को तो ठीक है एकदम पपलू है वो, कुछ ज्यादा है नहीं। स्प्रिंग, तो आज मैंने जैसे बोला था अपन स्प्रिंग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग दिया हुआ है वर्क डन बाय स्प्रिंग। और यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन दिया है जिसमें ऐसा पकड़ लो ये ब्लॉक अभी हवे में उड़ रहा है, वो हवे में नहीं उड़ रहा है, मतलब वो किसी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली एनिमेशन करते वक्त उसने थोड़ा सा वो किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग दी है। अब स्प्रिंग में ना ऊपर सबसे ऊपर लिखा है नेचुरल लेंथ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ दिखी है एल नॉट और नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग कोई भी ऐसा खींची नहीं, अपन ने खींची नहीं है, स्प्रिंग वैसे की वैसी रखी है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, ये नेचुरल लेंथ में, अब ये नेचुरल लेंथ में था तो नेचुरल लेंथ क्या हो गया। अब इसके बाद देखो स्प्रिंग को क्या किया, खींचा, देखो खींचा, खींचने के बाद वो एक्सटेंड हो गया, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। देखो लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई। उसके बाद स्प्रिंग को दबाया, दबाया मतलब क्या किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेशन, ठीक है। लेंथ देखो क्या हो गई, L2 हो गई। अब किसने बोला सर एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन कितना है, तो देखो यहां पे मैं एक्सटेंशन लिखता हूं, ये जो ये तो होता है ना, ये सॉरी, तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, ये होता है एक्सटेंशन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, एक्सटेंशन कितना होगा, जो नया लेंथ बना है L1 माइनस क्या होगा L0, ये हो गया मेरा एक्सटेंशन, काम खत्म, ये उसमें एक्सटेंशन हो गया, मतलब जो नई लेंथ माइनस पुरानी लेंथ, ठीक है। उसके बाद किसने बोला कंप्रेशन कितना होगा, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन कितना है, पहले लेंथ L0 थी, अभी लेंथ L2 हुई, तो कंप्रेशन कितना होगा, पहले लेंथ L0 थी, बाद में लेंथ L2 हुई, तो कंप्रेशन कितना होगा, तो ये जो हो जाएगा x, इधर भी x ही लिखेंगे इसको, तो इसका लिखेंगे L0 माइनस L2, यहाँ पे L1 माइनस L0 था। अब इसका और एक चीज होती है, इसमें एक चीज दिया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसका पकड़ते अपन k, k को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि भाई इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट करके एक आएगा, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है के। अब ना एकदम सिंपल सी, मैंने आपको पिछले बार भी बोला था, जितना हम स्प्रिंग को कंप्रेस एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया तो आपको पता है ना ज्यादा फोर्स लगता है और एक्सटेंड करने को, फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, ज्यादा फोर्स और लगेगा और एक्सटेंड करने को, तो मेरा जो फोर्स होता है, फोर्स, फोर्स ऑफ एक्सटेंशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉरी, फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आइदर एक्सटेंशन या कंप्रेशन। मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, गाइस, अब यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखता हूं मैं, मॉड, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है
मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं इसमें, ये होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इसको अपन लिखते के, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स, एंड वेयर दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग स्प्रिंग को हम लोग अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, इवन अपन कोलिजन चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे, इसको अपन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं स्प्रिंग पैरेलल सीरीज वीरीज सब कुछ आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए स्प्रिंग फोर्स जो होता है इट इज इक्वल टू क्या होता है के एक्स। अब तुम एक बात बताओ मुझे, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज दिया हुआ है, कभी आपने देखा होगा स्प्रिंग को ना मास से लगाओ, मास को खींचो और छोड़ दो तो स्प्रिंग क्या करेगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, देखा है आपने, ऐसा आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन, और वो ऑसिलेशन हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे स्प्रिंग का। लेकिन स्प्रिंग की एक बहुत बड़ी खासियत है, आपको जैसे मैंने बोला था, जैसे मैंने एक चीज बोली थी, टेंशन क्या करता है, पुल करता है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, पुश, ठीक है। स्ट्रिंग होती है ना, ये स्प्रिंग जो होती है ना, स्प्रिंग इट कैन पुश ऑल्सो एंड कैन पुल ऑल्सो, देखो कैसे, मतलब मैं यहाँ पे केस बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग, मतलब मैंने एक स्प्रिंग लगाई, ये स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में, अब नेचुरल लेंथ में है तो मुझे बताओ कोई नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट के लिखा रहता है, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है पता, ऐसा लिखेंगे अपन, ऐसा ऐसा करेंगे और इसमें बाजू में लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ना कोई कंप्रेशन है ना कोई एक्सटेंशन है, क्योंकि एक्स क्या होता है, L1 माइनस L0 या L2, L0 माइनस L2, जो भी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, देखो यहाँ पे स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा मैंने, देखो ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगाया। अब मुझे बताओ इसको, इस मास को, इस मास एम को स्प्रिंग क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, पुल करेगा, राइट। और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स, तो के एक्स फोर्स से वो पुल करेगा, तो यहां पे क्या हो गया, पुल हो गया, ठीक है। मैं यहां पे और एक केस देता हूं, नीचे देता हूं, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है तो मैं नीचे ही करता हूं। अब नीचे में मतलब सपोज मैंने ऐसा कर दिया, यहां पे देखो यहां पे स्प्रिंग को मैंने दबाया ऐसे, ठीक है, और ये मेरा एक्स इक्वल टू, यहां पे मेरा एक्स इक्वल टू जीरो था, एक मिनट, किसी का कॉल आया था, ठीक है, सुनने में आ रहा है आपको अभी वापस प्रॉपर, स्प्रिंग को मैंने दबाया, ठीक है, अब दबाने के बाद क्या होगा, ये है, ये क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन, कितना कंप्रेशन किया मैंने, अब यहां पे स्प्रिंग होता है वो क्या करेगा, सर आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक मिनट किसी का एक्चुअली कॉल आके गया ना, तो कॉल आने के बाद वो कट हो जाता है, ठीक है, अभी आ रहा है, अभी सरप्राइज आ रही थोड़ी सी, सरप्राइज हो रही है आपकी आवाज थोड़ी सी, अभी आ रहा है अपन, अभी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर ठीक है, वापस प्रॉब्लम ही है, हाँ सर इट्स क्लियर, ठीक है, ठीक है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पुल हो रहा था, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा स्प्रिंग, पुश करेगा, यहाँ पे स्प्रिंग क्या करेगा, पुश करेगा, यहाँ पे स्प्रिंग क्या करेगा, पुल करेगा, तो पुश किसमें करेगा, पुश किसमें करेगा, स्प्रिंग, व्हेन इट इज कंप्रेशन, पुल कब करेगा, पुल कब करेगा, जब क्या हो रहा हो, एक्सटेंशन, बिल्कुल, और कुछ फोर्स ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब कोई भी कंप्रेशन नहीं, एक्सटेंशन नहीं है, तो कुछ नहीं करेगा वो, फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी, जीरो, तो तीन चीजें बता दी मैंने, ठीक है, पहले इतना लिखो कि स्प्रिंग के ऊपर में और मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, पहले फटाफट एक चीज इतना ड्रॉ कर लो, ठीक है, इतना ड्रॉ कर लो, तो वर्कडन बाय स्प्रिंग, थोड़ी सी कम हो रही है सर बीच बीच में, तबियत ही खराब है, वो ब्लूटूथ वापस से कनेक्ट करो ना सर,
सर करके देखो। अभी प्रॉपर आ रहा है क्या? यस सर अब आ गया। ओके वो ब्लूटूथ का प्रॉब्लम होगा फिर। इसमें भी अच्छा ही दिख रहा है, मेरे वीडियो में भी अच्छा ही दिख रहा है ना सर? अच्छा दिख रहा है। वन प्लस लेकिन साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है बस। हाँ वन प्लस का वो अच्छा है ये। हाँ, तो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा है तो। हाँ सर सर लाइट थोड़ी फ्रेश होनी चाहिए थी। हाँ लाइट का अभी तक जुगाड़ करना है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, लाइट हम लोगों ने सब ये लगाया है, लाइट थोड़ा सा लाइट का सेटिंग बचा हुआ है। सर वन प्लस में कौन सा है? वन प्लस 70 है। 70 ठीक है, पहले लिखो क्योंकि जब ज्यादा बोलोगे तो वो लोगों को प्रॉब्लम, मतलब इसमें देखने में प्रॉब्लम होगा जो लोग स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो अंदर अंदर आप लोग ने यार स्क्रीन शेयरिंग करते रहो, मतलब अंदर अंदर वो स्क्रीन शेयरिंग का भी देखते रहो, ठीक है गाइस? कुछ लिखने के लिए, जब मैं लिखने के लिए बोलता हूँ ना तो बेस्ट होता है स्क्रीन शेयरिंग पे लिखो, जो स्क्रीन शेयरिंग तो मैं कर ही रहा हूँ ना। सर हाँ बोलो। फिर वो स्ट्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट एक बार वापस बोल दो ना। स्प्रिंग कांस्टेंट वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ कि एक्स का वो समझा नहीं। नहीं नहीं देख तेरे को पता है जितना मैं एक्सटेंड करूंगा ठीक है उतना तेरे को ज्यादा फोर्स लगता है ना एक्सटेंड करने को और। हाँ तो जितना तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन ना। तूने देखा होगा एक स्प्रिंग को ले तू हाथ में उसको दबा ठीक है तो दबाने के बाद ना और दबाने के लिए तेरे बहुत ज्यादा ताकत लगती है बराबर? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है जितना ज्यादा एक्सटेंड कंप्रेशन होते रहेगा उतना ही फोर्स भी बढ़ता रहेगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंप्रेशन और एक्सटेंशन। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है अभी आवाज आ रहा है ना लेकिन प्रॉपर या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है अरे टोटल वर्क डन बाद में देख लेंगे ऋषिकेश, अभी पहले इतना तो लेकर लो। पहले ये तो स्प्रिंग फोर्स का अभी तक वर्क तो मैंने किया नहीं है, वर्क मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। पहले इतना लिखो एफ इज इक्वल टू के एक्स, मतलब आइदर आपके दिमाग में स्प्रिंग तो आ गई, एटलीस्ट स्प्रिंग तो आ गई। तो पुश के लिए माइनस के एक्स है या सिर्फ के एक्स है? नहीं 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 मैं मैग्नीट्यूड लिखा है ना यहाँ पे, क्या लिखा है? इट इज मैग्नीट्यूड। बुक में माइनस के एक्स दिखा रहे थे वो बताऊंगा क्यों, पहले इतना समझ में इतना समझो। सर फॉर्मूला में क्या लिखना है? F इज इक्वल टू देखो F का मैग्नीट्यूड नहीं दिया रहेगा तो माइनस के एक्स लिखना है, बताओ तब क्यों? पहले ये लिखो, इतना समझ में आया?
भाई आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू गाइस? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसका सब आपको बाद में मिल जाएगा, पहले आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे सब लोग देख लो। अब गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सपोज, मतलब मैं यहाँ पे स्प्रिंग को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, एक मैंने स्प्रिंग को ड्रॉ किया, ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग पहले क्या दिया है मैंने, ये नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, मास एम को ड्रॉ करूंगा, फिर ऐसे 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 ये मेरा मास, और इधर में क्या लिखूंगा, एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, जीरो, एक्स की वैल्यू में जीरो लिखूंगा। उसके बाद मैंने इस स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, ठीक है, मैं वापस ड्रॉ करता हूं, मैं इस स्प्रिंग को मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया इसका मतलब वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। ऐसा होने के बाद मैं नया लेंथ जो भी होगा स्प्रिंग का, वो नया लेंथ कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इधर से इधर किया तो मैं आपको बताऊं वो माइनस साइन क्यों होता है, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग हो गई एक्सटेंड x है, कितना x, तो ये x इधर है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, ऐसा पकड़ लो। इसके ऊपर जो फोर्स होगा, फोर्स इसके ऊपर जो फोर्स होगा गाइज, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स क्या करेगा, पुल। अब मुझे होता फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल करेंगे तो मेरा जो फोर्स वेक्टर है, मैं वेक्टर के हिसाब से लिखने गया तो फोर्स वेक्टर शुड बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस के इनटू क्या होगा, एक्स वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? तो जब ही भाई ध्यान में रखना, जब मेरे को वेक्टोरिकल फॉर्म में लिखना है ना तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखना होता है, लेकिन मैं जनरल में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखूंगा क्या, नहीं, मैं डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखूंगा, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है। अभी तक अपन ने क्या किया, फोर्स इक्वल टू, अपन वेक्टर फॉर्म में लिखा नहीं है, अपने को पता है वेक्टर को प्लस माइनस साइन ऐड करके खत्म कर देना होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इवन मैंने सपोज इस केस में कंप्रेस किया, देखो कंप्रेशन वाली केस भी दिखा देता हूं मैं आपको, चाहिए तो कंप्रेस किया तो ब्लॉक कुछ ऐसे स्प्रिंग हो गई और ब्लॉक मेरा इधर आ गया। ठीक है, अब सिंपल यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी अभी डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इधर है एक्स, ठीक है, और जो इसका जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स किधर है, इधर है। देखो स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अभी वापस क्या है, अपोजिट। तो यहां पे ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या करती है स्प्रिंग, क्या करती है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्सटेंशन में स्प्रिंग क्या करेगी, पुल। कंप्रेशन में स्प्रिंग क्या करेगी, पुश। काम खत्म। तो स्प्रिंग कैन पुश और पुल बोथ। अब किसी ने बोला सर स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा, तो मैं पहले वर्क निकालता हूं, किसी का माइक चल रहा है भाई, माइक बंद कर लो। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा, किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर लो। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन, अब ध्यान में रखना यहां पे जैसे एक्स बढ़ता है, एक्स बदलता है, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है, बदलता है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, कौन सा फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स, वेरिएबल फोर्स। मैंने आपको बताया था स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वेरिएबल। तो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है गाइस, मतलब बदलता है। तो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होने के वजह से आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन का यूज अपने को करना पड़ेगा। तो मैं f into dx कर लूंगा इंटीग्रेशन, वेर माय फोर्स इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, kx dx। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया, देखो यहाँ पे मेरा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx, k तो कांस्टेंट है, k इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, k into क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 2। तो मैं इसको, इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ इंटू क्या लिखेंगे, kx स्क्वायर। ये होता है मेरा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा। अब कब पॉजिटिव कब निगेटिव सब बताऊंगा मैं आपको, पहले तो मुझे बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ kx स्क्वायर आ गया, इतना समझ में आया, क्योंकि स्प्रिंग वर्क स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो पहले एक काम करो, इन तीनों दिन डायग्राम को फटाफट निकालो, तीनों दिन डायग्राम को फटाफट निकालो,
ये तो सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन था अभी इसको भूल जाने का, मैंने जो यहाँ पे लिखा है इसको भूल जाने का बाद में, ये तो सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन था गाइस। F is equal to minus kx, अभी F is equal to minus kx वेरे कभी यूज नहीं करना है, अब मैं जो बताऊंगा वो यूज करना है। अब मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूं, वो मैं ड्रॉ जो करता हूं वो सिर्फ देख लेने का, ठीक है? कुछ चीजें मैं ड्रॉ करने वाला हूं वो देखने का, पहले इसको फटाफट लिखो। नहीं वो गई चाय नहीं, वो गर्म पानी है वो। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, लिख के हो गया होगा आपका। सेवेंटी फाइव इंच ये स्क्रीन। आगे बढ़ू? वेट सर प्लीज। सर बोलो सर, जो के दिया है आपने कांस्टेंट, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है क्या सर? नहीं अभी तो मैंने एक सिर्फ के दिया है ना, बाद में के और एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी ना क्वेश्चंस में। ओके सर, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वो तो कर देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू? यस सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, अब जो भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, अब इस पे थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। मेरा तीन चार केसेस को ड्रॉ करने वाला हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग मैंने लिख दिया, कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, दिमाग में डाल दो अभी, ठीक है? अब क्या होता है ना, वो पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, उसकी केस बता रहा हूँ। पॉजिटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव कब लेना होता है, निगेटिव कब लेना होता है, वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मिनट, गंदा ड्रॉ हो गया। मुझे बताओ इन दोनों केसेस में, अभी यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं पहले यहाँ पे देखो, इन दोनों केसेस में इसमें स्प्रिंग को क्या किया हुआ है? पहले केस में स्प्रिंग को क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। देख सेकंड केस में स्प्रिंग को क्या किया हुआ है, मैंने एक्सटेंड, तो कंप्रेस एंड एक्सटेंड रखा हुआ है। अब ध्यान में रखना, ये इसकी होगी इनिशियल पोजिशन, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगी इसकी इनिशियल पोजिशन, ये इसकी होगी फाइनल पोजिशन। अब दोनों केसेस में मैंने इस पहले केस में ब्लॉक को छोड़ा, तो ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा इधर, ब्लॉक के जाएगा ऐसे जाएगा ना। अब इधर जाएगा तो ये कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद लेट्स से ब्लॉक आ गया इधर, ठीक है, कहां पे आ गया, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब जहां पे, मतलब नेचुरल लेंथ में था, ठीक है। अब ये मास यहां पे आ गया, इसके फाइनल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन थी। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कि इधर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट्स से एक्स,
हाँ मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स भी कहां पे होगा, स्प्रिंग फोर्स भी कहां पे, केएक्स इधर ही डायरेक्शन में, देखो भाई स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब वो जा रहा है तो एक्चुअली मुझे बताओ यहाँ पे स्प्रिंग क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है ना, जब वहां से मैं ब्लॉक को छोड़ूंगा तो यार स्प्रिंग क्या देगी, ब्लॉक को धक्का देगी तो सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी मतलब स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, तो वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, स्प्रिंग फोर्स हाँ पॉजिटिव, तो इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा वो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस प्लस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको समझ में आया ठीक है, ध्यान में रखना। इस केस में भी, इस केस में भी देखो ऐसा पकड़ लो यहां से मैंने छोड़ा तो ये इसका इनिशियल पोजिशन है, इनिशियल यहां से छोड़ा तो छोड़ने के बाद कहां पे आएगा वो, इधर आएगा, खींचेगा ना अपनी तरफ स्प्रिंग। अब मुझे बताओ इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस डायरेक्शन में पुल करेगा, पुल, और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होगा, गाइस डिस्प्लेसमेंट भी सेमी डायरेक्शन में होगा, देखो ना स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, निगेटिव मत बोलो ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ वर्क डन इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान में रखना मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन स्प्रिंग, यहां पे देखो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, इज इधर कंप्रेस्ड ठीक है और एक्सटेंडेड, इन दोनों केसेस में, दोनों केसेस में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क इज व्हाट, पॉजिटिव, समझ में आया, इन दोनों केसेस में वर्क डन इज पॉजिटिव। अब कौन केस में निगेटिव होता है मैं आपको बताऊं, कौन से केस में निगेटिव होता है, क्योंकि ध्यान में रखना इन दोनों केसेस में स्प्रिंग इज सपोर्टिंग, स्प्रिंग इज सपोर्टिंग, ये सपोर्ट कर रही है ना दोनों में, देखो ना यार, यार तुम लोग एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक स्प्रिंग को ब्लॉक ऐसा 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 ब्लॉक को ना ये करके रखो छोड़ दो तो स्प्रिंग सपोर्ट ही करेगा, उसको एक्सटेंड करके रखो छोड़ दो तो सपोर्ट ही करेगा, मोशन को सपोर्ट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा ना उसका, yes, sir. दोनों जगह पे दोनों केस में ब्लॉक का स्पीड बढ़ रहा है ना, मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो ठीक है। अब सेकंड केस, अब दूसरा केस ऐसा पकड़ लेते, थर्ड एंड फोर्थ केस देखते, थर्ड एंड फोर्थ केस में देखो क्या होता है ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों केस लिखता हूं मैं ठीक है। अब थर्ड केस में ऐसा पकड़ लो कोई ब्लॉक जोरदार आया, मतलब कुछ कहीं से तो घूम के आ रहा है वो, कहीं से तो घूम के आ रहा है, तो ये ब्लॉक है ये अभी कौन से पोजीशन पे, देखो ये कब, ये अभी जो है ना एट प्रेजेंट एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी है, लेकिन वो आ रहा है ऐसे आ रहा है। अब आ रहा है तो क्या होगा, कुछ इसका वेलोसिटी था यार, मतलब किसी ने इसको वेलोसिटी दी है, किसी ने फेंका है उसको जोरदार स्प्रिंग के ऊपर ठीक है। तो अब ये था मेरा इनिशियल पोजीशन, ये मेरा क्या था इनिशियल, ब्लॉक जाएगा। अब मुझे होता स्प्रिंग ब्लॉक को अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा, गाइस इस केस में स्प्रिंग ब्लॉक को अपोज करेगा, स्पीड को क्या करेगा इसमें, अपोज करेगा ना भाई, अपोज करेगा, सिंपल सी बात है ना, पहले के दो केस में क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, इन दोनों केसेस में क्या करेगा, अपोज करेगा, क्यों अपोज करेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट, अब इसका आप देखोगे इसका डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एक्स हो गया, लेकिन इनके अंदर जब ये ब्लॉक आ रहा था तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में था, कंप्रेस हो रहा था ना, कंप्रेस हो रहा था, समझ में, तो स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इस केस में मुझे बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा, इस केस में, इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली इस केस में देखो, इस केस में सेम चीज में ड्रॉ करता हूं, वही वापस ब्लॉक यही रखा हुआ है, ब्लॉक यही रखा हुआ है, यहां पे ब्लॉक का एक्स क्या है, एक्स क्या है इसका, एक्स क्या है, जीरो, मतलब अब अचानक से इसको जोरदार, मतलब ये ब्लॉक ना स्प्रिंग से अटैच्ड है ठीक है, ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड है, अचानक से मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया, अचानक से मैंने इसको एक स्पीड दे दिया वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में अचानक, तो मुझे इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स कहां पे आएगा, ये कहां पे जाने की कोशिश करेगा, इधर, अब इधर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा पकड़ लो इधर जाने की कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग जो है ना
ये क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी ऐसे, और लेट्स से ब्लॉक इधर चला गया, स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, ब्लॉक अभी इनिशियली यहां पे था, इनिशियली यहां पे था, फाइनली कहां पे आ गया, इधर आ गया, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। लेकिन मुझे बताओ स्प्रिंग को लगाए हुआ है, ब्लॉक स्प्रिंग को देखो, ब्लॉक जो है ना स्प्रिंग को अटैच है गाइस, तो इस केस में जो स्प्रिंग होगी वो क्या करेगी, ऐसे खींचेगी ना पूरी, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कहां पे होगा, स्प्रिंग फोर्स कहां होगा इस केस में, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रही है, स्प्रिंग फोर्स यहां पे है, तो इस केस में भी वर्कडन दोनों डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्कडन पर स्प्रिंग फोर्स इस केस में क्या होगा, फोर्थ केस में क्या होगा, अगेन क्या होगा, वर्कडन का स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, निगेटिव। मुझे बताओ इन दोनों में और इन पहले दोनों में दूसरे दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या था, पहले दो में ऑब्जेक्ट पहले से ही कंप्रेस करके खींच के रखा था, और इस थर्ड फोर्थ में अचानक से वेलोसिटी दी। हाँ देखो बिल्कुल इसने जो बोला वो सही बोला, ठीक है आयुष ना, हाँ सर देखो, हाँ तो यहाँ पे इसने क्या बोला, देखो फर्स्ट एंड सेकंड केस में गाइस, फर्स्ट एंड सेकंड केस में ब्लॉक ऑलरेडी कंप्रेस था या एक्सटेंडेड था, समझ रहे, देखो व्हेन स्प्रिंग इज ऑलरेडी कंप्रेस और एक्सटेंडेड और उधर से छोड़ दिया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, थर्ड एंड फोर्थ केस में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है या एक्सटेंड हो रहा है, आप समझ रहे हो, तो इन दोनों में यहां सडन वेलोसिटी दे दी, सडन वेलोसिटी दे दी, मतलब वो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन में आ जाएगा। इसमें देखो यहां पे एक्सटेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, इट इज गेटिंग कंप्रेस, तो यहां पे देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्लॉक इज गेटिंग कंप्रेस, तो मैं यहां पे अलग कलर में चाहिए तो लिखता हूं, ब्लॉक इज गेटिंग कंप्रेस्ड और कंप्रेस और एक्सटेंडेड, कंप्रेस्ड, ठीक है यहां पे ध्यान में रखना, कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, समझ में आया आपको, इस केस में क्या हो रहा है, इट वॉज ऑलरेडी और इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, इट इज गेटिंग कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, समझ में आया, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो इट इज व्हेन इट इज गेटिंग कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड वर्क डन माइनस होता है, नहीं तो प्लस होता है, ठीक है गाइस, लिखो इसको लिखो, चारों चार केसेस को लिखो अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, जब क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा गाइस, अभी शायद से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाएगा। मैं चाहिए तो एक छोटा सा केसेस का वापस बता दूंगा आपको, ठीक है, देख केस थ्री में क्या है ना गाइस, देख केस थ्री वापस देखो, चाहिए तो यहां पे देखो केस थ्री में देखो क्या होगा, केस थ्री में ब्लॉक नॉर्मल, मतलब स्प्रिंग अभी तक यहां पे कोई अटैक, मतलब स्प्रिंग जो था ना वो कंप्रेस नहीं था, वो ऐसे ही रखा हुआ था, स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में था, सडनली मैंने किसी से मारा तो उसका सडनली इसके पास क्या आ गई, सडनली इसके पास वेलोसिटी आ गई, तो क्या हो गया, ब्लॉक क्या हो गया बताओ मुझे, सडनली वेलोसिटी आ गई तो ब्लॉक क्या हो गया, कंप्रेस होना चालू हुआ, जब ब्लॉक कंप्रेस होना चालू हुआ तो मुझे बता स्प्रिंग उसको क्या करेगी, अपोज करेगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहे, स्प्रिंग उसको अपोज कर रही है, तो वर्क डन निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क फोर्स ये दोनों सपोज अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, निगेटिव होता है ना, मैंने बोला था ना, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव, तो थर्ड एंड फोर्थ केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है लिखो इसको, ज्यादा एनर्जी जाता है पता है, एनर्जी काफी जाता है जब अपन बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना और कोई सामने नहीं है, जब एक्चुअल कैमरा आएगा तो और ज्यादा एनर्जी जाएगा मेरा, लेकिन अच्छा है, चलो फटाफट लिख दो इसको, एक मिनट, 421 अपना लेक्चर कब चालू होगा गाइस, 3 o'clock, 3 o'clock, 3 to 4, हाँ ठीक है, एक ये कंसेप्ट खत्म करके 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है 10 मिनट का, मतलब स्प्रिंग फोर्स का वर्क खत्म करके मुझे जो छोटा सा और बताना है वो खत्म करके मैं ब्रेक देता हूँ।
लेकिन आपको समझ में आया चीज मैं जो बोल रहा हूँ वो? यस सर। सर ये एग्जांपल में करवाता ना सर, इसको एग्जांपल में मैं करवाता हूँ, पहले तुम लोग इतना कर लो, एग्जांपल सब लास्ट में दिए हुए हैं, ठीक है? पहले मैं अलग अलग का वर्क निकालने वाला हूँ, फिर समझ में आएगा तुमको। Answer. Guys, लिख के हो गया क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. लिख के हो गया? हाँ. जब लिखना होता है ना तो कभी भी ध्यान में रखना, आप लोग इससे लिखोगे, स्क्रीन शेयरिंग से। किसी का माइक चल रहा है, माइक बंद कर दो, ठीक है? चलो यहां पे देख लो, यहां से ना इसी में पीपीटी कैसे ऐड करते ना वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने ना पीपीटी में, पीपीटी की वजह से जिंदगी में कभी पावर पॉइंट ज्यादा यूज ही नहीं किया। कौन सा सेटिंग है पता नहीं, चलो छोड़ो अभी, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो गाइस, हो गए? मुझे फटाफट फटाफट मैं बताता हूँ और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये स्प्रिंग का मैंने तीन चीजें बताई है, ठीक है? मुझे तो स्प्रिंग का मैंने क्या क्या बताया, मतलब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, छोटा सा दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फटाफट देख लो, मैं एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताओ, एक केस बता रहा हूं मैं इसके आगे, इसी के इधर जगह किधर है, एक चलो एक में कोई दूसरे कलर में दिखाता हूँ, यहाँ पे दूसरे कलर, ये कलर तो अपने पास था नहीं, रेड ग्रीन में डालते, चलो ठीक है? मुझे बताओ एक स्प्रिंग जो है, अब तुम लोग बताओ मुझे, एक स्प्रिंग को ना ऑलरेडी कंप्रेस किया हुआ है, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है, जो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब क्या? x इक्वल टू क्या? जीरो। मतलब एक ये स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ, राइट? तो ऐसा पकड़ लो, एक स्प्रिंग को ऑलरेडी x1 से कंप्रेस किया, इस ब्लॉक को मैंने यहां से छोड़ा, तो जब ब्लॉक यहां पे आएगा तो कुछ ना कुछ इसका स्पीड होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? होगा। और उसके बाद फिर और आगे जाएगा, तो ऐसा पकड़ लो इस फाइनली वो यहां पे गया, देखो डॉट डॉट जो मैं कर रहा हूं, फाइनली जो ब्लॉक है वो यहां पे गया, देखो, ठीक है? तो इनिशियली यहां से निकला, इनिशियली देखो कहां से निकला, इधर से निकला, इनिशियली यहां से निकला,
फाइनली यहां पे गया और वो जो आगे गया वो गया कुछ X2 से, इनिशियली यहां से निकला फाइनली यहां पे गया, तो X1 कंप्रेस किया हुआ था, छोड़ दिया X2 उधर तक गया, X1 X2, समझ में आ रहा है, X1 X2। तो अब मुझे बताओ इस पूरे इसमें कहां पे प्लस वर्क होगा कहां पे माइनस वर्क होगा, भाई मुझे बताओ स्प्रिंग कहां पे सपोर्ट कर रही होगी। स्प्रिंग एक्चुअली आप देखोगे जब तक स्प्रिंग जो होती है जब तक ये कंप्रेस हो रही है, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं स्प्रिंग इस वाले पोजिशन में मतलब कंप्रेस्ड ऑलरेडी है, तो यहां से यहां पे क्या हो रही होगी, सपोर्ट करेगी ब्लॉक को, पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे मेन पोजिशन पे पहुंचा उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है राइट, तो क्या कौन सा वर्क होगा फिर उसके बाद, आगे वर्क कौन सा होगा, नेगेटिव। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आपको अभी? यस सर। तो पहले केस में मतलब जैसे कि इस केस में मैं यहाँ पे इसको रेड कलर में लिखता हूँ क्योंकि रेड यहाँ पे नहीं है, इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा हाफ के X1 स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो रही होगी, स्प्रिंग सपोर्ट कर रही है, देखो ध्यान में रखना यार, स्प्रिंग सपोर्ट कर रही होगी। देखो एक दो चीज दिमाग में रखो, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है या कंप्रेस है, उधर से छोड़ा तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है एक्सटेंड हो रही है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इस केस में हाफ के X1 स्क्वायर के में पॉजिटिव होगा, जब यहां से बात X2 तक जाएगी तो वर्कडन क्या हो जाएगा, इस केस में हाफ के इंटू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के X2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल वर्कडन। आपको ये जो मैंने बताया वो समझ में आया, मैंने जो लिखा यहां पर आधे टाइम पे स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगी आधे टाइम पे स्प्रिंग निगेटिव वर्क करेगी, तो प्लस हाफ के X1 स्क्वायर माइनस हाफ के X2 स्क्वायर, कोई दिक्कत है? नहीं, टोटल वर्कडन जीरो नहीं है इस केस में, जीरो क्यों है भाई, X1 X2 छोड़, X1 एंड X2 इक्वल होगा तो जीरो होगा ना, इफ X1 इज इक्वल टू X2 तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मैंने अभी एक इन जनरल कंडीशन दी है, इन जनरल कंडीशन दी है, समझ में है? इसको भी लिखो, इसको इस एग्जांपल को भी लिखो, एक केस फाइव लिखो, इसको फाइव लिखो, फाइव इसको फाइव लिखो, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको, हाँ नहीं आगे नहीं बढ़ते, एक काम करते हैं, सुनो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं गाइस, 4:20 4:30 हुआ है, ठीक है 4:30 है तो एक 4:40 तक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है गाइस 4:30 तक ब्रेक ले लेते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रेक, ब्रेक 4:30 to 4:40 को मिलते हैं क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है, ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग के वर्क वगैरह हो चुके, ठीक है गाइस। कल का टॉपर जो है, कल के टॉपर मतलब एक्चुअली एक 8-10 लोग है टोटल, ठीक है, दो टाइप के लोग है, कुछ लोग को 160 आया हुआ है, दो से तीन लोग ऐसे अलग अलग ब्रांचेस से, एक एक बंदा है जिसको 160 भी आया है और कुछ लोग को 155 आया आउट ऑफ 160, ठीक है, तो मतलब दो ब्रेक है, दो मतलब और ऐसे कुछ 7 से 8 लोग हैं, मतलब अच्छा स्कोर किया आपने। और गाइस कल का जो मेरा टेस्ट था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का जो मेरा टेस्ट था, वो एग्जैक्ट जेई मेन लेवल बोल सकते हैं आप, नीट एंड जेई मेन लेवल था वो, जेई मेन लेवल था वो, जेई एडवांस नहीं था। और आप मुझे असाइन कर सकते हो क्या? मैं वो असाइन करता हूँ, ठीक है। तो गाइस हाफ के X2 प्लस माइनस ये सब कुछ लिख दो अच्छे से, अपन मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, अपन जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है गाइस रिकॉर्डिंग को। जो मेरा एडवांस प्लस लेक्चर होगा गाइस, तो एडवांस प्लस लेक्चर जो होगा चलो वो भी उस पेज पे ऐसे ही कर लेंगे क्वेश्चन टाइप करके, मुझे पूरा का पूरा पहले लेक्चर्स प्रिपेयर, जब जिंदगी में कभी मैंने पहले लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं किए, प्रिपेयर नहीं किया मतलब क्या, कभी मैं कभी आप मेरे हाथ में कभी बुक नहीं देखोगे कोई पढ़ाते वक्त या कभी कुछ नहीं, पूरे 2 साल में मतलब पूरा का पूरा जब पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन अभी मेरे को करना पड़ता है क्योंकि ये सब कुछ बनाना पड़ता है, तो मुझे पूरा का पूरा क्या पढ़ाना है वो मुझे लिख के भेजना पड़ता है, वो कोई PPT बना के आता है, ठीक है। और टाइम के बाद, हाँ क्या बोल रहे,
एडवांस क्या? एडवांस प्लस बैच. हाँ एडवांस प्लस बैच. एडवांस प्लस बैच में भी मैं मतलब एडवांस प्लस जो बैच होगी वो मैं रात को रखूंगा. ठीक है गाइस, मतलब रात को एक अराउंड 1.5 आवर का वो लेक्चर रहेगा. आज रात को नहीं, क्योंकि आज रात को मैं सपोज लेक्चर लिया तो खत्म, फिर वापस बीमार पड़ूंगा मैं. ठीक है आगे करते हैं, आगे करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है उसका एडवांस प्लस बैच वाला. अभी यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं. ये आपका लिख के हो गया, समझ में आ गया आपको सबको? कोई दिक्कत है? Yes. ठीक है, आवाज भी प्रॉपर आ रहा है? मतलब आवाज आपको प्रॉपर आ रहा है? देखो अभी ज्यादा आ रहा होगा, अभी आवाज ज्यादा आ रहा होगा. नहीं क्या सेम ही है सर? सेम ही सर, आवाज थोड़ी डीम हो रही है. बराबर ठीक है, फिर यही सही है, क्योंकि ये मैं यूज कर रहा हूँ. मतलब अब हर एक चीज वन प्लस की यूज करेंगे. ठीक है चलो, अब कितने फोर्सेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, कौन से फोर्सेस के बारे में बताया यहाँ पे मैंने? ग्रेविटी, टेंशन. ग्रेविटी देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया. मैंने आपको बताया ग्रेविटी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग. चार तो फोर्सेस हो गए. अब पांचवा एक ही बचा हुआ है जो है फ्रिक्शन. ठीक है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको लिखना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देखो मुझे मैंने बोला था आपके पास फोर्सेस अपने पास है, लेकिन एक्चुअल में फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है. एक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. अब कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? जिसमें वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, जिसमें वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. ठीक है तो यहाँ पे मतलब मैंने सबको ऐसा बोल दिया कि व्हेन वर्क डन इज, सो व्हेन द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. ठीक है तो ये क्या हो गया? व्हेन द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट ये क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स. शायद से ये कलर वापस यूज नहीं करूंगा मैं. मतलब जिसने भी बनाया उसने वो यूज किया, व्हाइट तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ब्लैक रखना चाहिए. और यहाँ पे वर्क डन इज पाथ व्हाट? डिपेंडेंट. मतलब यहाँ पे मैं एकदम सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एक अब ब्लॉक को लेके आ रहे. ठीक है अब एक ब्लॉक है यहाँ पे. ब्लॉक को सपोज मैं ऐसे लेके आया, इधर से ऐसे 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 करके इधर लेके आया, ये सेकंड पाथ, ये थर्ड पाथ है. ठीक है तो ध्यान रखना कोई भी पाथ में जाओ, कोई भी पाथ में जाओ, इधर से जाओ, ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, इधर से जाओ, कहीं से भी जाओ, इन तीनों केसेस में वर्क डन क्या होगा? सेम होगा. W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3. इसका मतलब मुझे बताओ, A से B पे में जब गया, A मेरा इनिशियल था, B मेरा फाइनल था, मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डिपेंड है क्या पाथ पे? यहाँ पे वर्क पाथ पे डिपेंड है क्या? नहीं है. तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज पाथ इनडिपेंडेंट. तो ऐसे जो भी फोर्सेस होंगे जिनका वर्क ऐसा होगा, उन सारे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. जो मैंने लिखा है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. अब ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं? मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे. ठीक है ऐसे कौन से फोर्सेस जो कंजर्वेटिव होते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये सारे फोर्सेस, ग्रेविटी, जितने भी फील्ड फोर्सेस. ठीक है तो मैं यहाँ पे वो सारे फोर्सेस के नाम लिख लेता हूँ, ग्रेविटी फोर्स. ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ये सब बाद में आने वाले हैं अपने को. ठीक है जो अपने काम के हैं, अपने काम का कौन सा होता है? ग्रेविटी एंड स्प्रिंग. स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव फोर्स. स्प्रिंग एंड ग्रेविटी ये दोनों अपने काम के, क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में, राइट? तो स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स अपने काम के जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसमें वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. मैं प्रूव करूंगा, प्रूव कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो. इतना पहले लिखो नॉन कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट अपना आता है वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट. सबसे अपना मस्त वाला फोर्स एक ही है, फ्रिक्शन. कौन सा? जो अपना बचा हुआ था. फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट. फ्रिक्शन का वर्क इज पाथ डिपेंडेंट. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो मैं यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल आपको चाहिए तो लिख देता हूँ. पहले मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बंद करा दूं, छोटा एग्जांपल है. ठीक है यहाँ पे एक मास एम है जो वेलोसिटी वी से ऐसे जा रहा है इधर, तो मुझे होता है इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा?
पीछे आएगा और वो फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो आएगा वो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितने आएगी, फ्रिक्शन की यहाँ पे वैल्यू कितने आएगी, म्यू के इंटू क्या एन, राइट, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन इज द फ्रिक्शन फोर्स, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है, तो मुझे वो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन नीचे पीछे के डायरेक्शन में है, तो इसमें मुझे होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ इस केस में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ, माइनस एफ इंटू एस ना, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, जब अपन ना अपन मतलब देखेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देने वाला हूँ, ठीक है, तो म्यू के इंटू एन इंटू एस ये हो जाएगा मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काम खत्म हो गया तुम्हारा, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन फिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट, ऐसा क्यों बोला, मैं एग्जाम्पल टू देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल टू देखो, एग्जाम्पल टू देखो यहाँ पे, अब ये टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू मतलब क्या, अपन ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से एक टेबल है, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर से देख रहा हूँ, ये मास एम है, यहाँ पे था, ठीक है, अब ये मास एम इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका ग्रेविटी कहाँ पे, पेज के अंदर, ग्रेविटी पेज के अंदर है, नॉर्मल फोर्स पेज के बाहर है, ठीक है, सो ग्रेविटी पेज के अंदर, नॉर्मल फोर्स पेज के बाहर, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, अब इसका कौन सा पाथ होगा, लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं पाथ वन, ये पाथ वन लेता हूं मैं, एक डायरेक्टली ऐसा आया, दूसरा पाथ में ऐसा लेता हूं, दूसरा पाथ में ऐसे नीचे से लेता हूं, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे आया, तो ये क्या हो गया पाथ टू, समझ में, मतलब क्या किया मैंने, ऊपर से देख रहे, ऊपर से मतलब एक टॉप व्यू है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस केस में जब मैं पाथ वन से लेके जाता हूँ, तो पाथ वन से लेके जाता हूँ, तो मुझे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, पाथ वन में, पाथ वन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पाथ वन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को मैं एफ पकड़ता हूँ, म्यू के इंटू एन, अरे भाई वो म्यू इंटू एन ही होगा ना, तो मैं फ्रिक्शन को एफ पकड़ता हूँ, तो पहले केस में सपोज इसकी लेंथ मैंने एल पकड़ी, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ, इसकी लेंथ है लेट्स से एल, इसकी लेंथ है लेट्स से एल वन, एल वन, इसकी लेंथ भी एल होगी, मतलब ये रेक्टेंगल है टाइप, ऐसा पकड़ लो, तो मुझे बताओ पहले केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, पहले केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स माइनस एफ इंटू एल होगा, आपको समझ में आ रहा है, एल एल वन एल होगा, इसको एल लिखा है मैंने, ठीक है, मुझे बताओ दूसरे केस में क्या होगा, जब ब्लॉक को मैं इसी इसी को इसी ब्लॉक को मैं पहले नीचे लेके आऊंगा, फिर इधर लेके जाऊंगा, फिर इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो पहले नीचे लेके आया, मतलब पार्ट टू से देखो, पार्ट टू से, तो पहले फ्रिक्शन क्या आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन इन पार्ट टू क्या होगा, मुझे बताओ जो वर्क डन इन पार्ट टू, वर्क डन इन पार्ट टू क्या होगा, फिर पहले क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंटू एल वन माइनस एफ इंटू एल वन, आपको समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ, फिर पार्ट टू में कितना होगा, एफ इंटू एल, तो माइनस एफ इंटू एल, और पार्ट थ्री में मतलब इधर इधर से इधर कितना होगा, वापस माइनस एफ इंटू एल, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखो ना चेंज हो गया, गाइस मैं वापस बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वापस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे हाइलाइटर से दिखाता हूँ, चाहिए तो स्टार्टिंग में मैं कहाँ से आया, देखो सेकंड केस में मैं कहाँ से आया, देखो सेकंड केस में मैं ऐसे आया, अब यहाँ पे देखो मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, कलर अलग यूज करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे पहले बताओ, यहाँ पे मुझे पहले बताओ यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, पहले इस पाथ से आया मैं, फिर ऐसे गया मैं, और फिर ऐसे गया मैं, आपको समझ में आया, सेकंड देखो मैं ऐसे 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 गया, तो मुझे बताओ, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे बताओ पहले फ्रिक्शन जब ब्लॉक पाथ टू से गया, तो पहले फ्रिक्शन जब ऐसे आया, फ्रिक्शन तो ऑलवेज अपोजिट द मोशन, राइट, तो पहले केस में वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ इंटू एल वन, माइनस एफ इंटू एल वन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो लेंथ थी यहाँ पे देखो ना यार, ये लेंथ मतलब कितनी दिख रही है यहाँ पे, आप देखोगे ये जो लेंथ थी, ये लेंथ भी तो भाई एल ही थी ना, ये भी लेंथ एल ही थी, तो इधर से इधर जब गया वो, तो कितना हो गया वर्क डन, माइनस एफ एल, माइनस एफ एल हुआ, पहले में कितना हुआ, माइनस एफ एल वन, फिर वापस इधर से, फिर वापस इधर से जब इधर गया, तो वापस माइनस एफ इंटू एल वन, ऐसा हो गया, आपको समझ में आ रहा है, माइनस एफ इंटू एल वन हो गया,
तो वर्क डन इन पार्ट वन एंड वर्क डन पार्ट टू सेम है क्या? वर्क डन पार्ट वन एंड पार्ट टू सेम है क्या इस केस में? गाइस नहीं है. तो वर्क डन इन पार्ट वन एंड पार्ट टू सेम नहीं है, तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट है, मतलब कुछ पाथ से लेके जाते हैं वो फर्क पड़ेगा. इसीलिए वर्क डन, तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स हो गया? फ्रिक्शन कौन सा फोर्स हो गया? फ्रिक्शन बिकम्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. गाइस सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन का, क्योंकि अपने को जो फोर्सेस काम में है, बाद में तो फोर्सेस बहुत सारे आने वाले हैं, अपने को भी काम का कौन सा? फ्रिक्शन, ग्रेविटी, स्प्रिंग. ग्रेविटी एंड स्प्रिंग कौन सा फोर्सेस है? कंजर्वेटिव. फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, तो पहले इतना लिख दो, ये पहले लिख दो. ऑलमोस्ट अपना बेसिक कभी खत्म हो चुका है. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एनर्जी का कंसेप्ट बताऊंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट बनेगा. तीसरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा गाइस, तीसरा लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे. ठीक है, टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स दे आर नॉट डिफाइंड. देखो टेंशन की वैल्यू डिफाइन थोड़ी है, टेंशन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, नॉर्मल भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है. ग्रेविटी, स्प्रिंग, ग्रेविटी इज एमजी, स्प्रिंग इज के एक्स, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन, दिस आर ऑल डिफाइंड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो यही फोर्सेस को मैंने यहाँ पे बताया. आपको क्लियर होगा, वो चीज क्लियर होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पहले ये चीज कर लो. जूम ने कितना पैसा कमाया होगा? जूम भाई मतलब बिलियनियर हो गया वो बंदा. शायद तेरा क्वेश्चन मुझे नहीं समझा, देखो इसको. सिद्धार्थ, ओके, मैंने वो स्टूडेंट, मैंने टेस्ट कितने लोग अपीयर किया वो मैंने देखा नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा. ठीक है, और मैं हाईएस्ट भी बताऊंगा, मतलब हाईएस्ट कौन है क्या है वो. एक्चुअली ना इस बार प्रॉपर लिस्ट, तीनों तीन टेस्ट की लिस्ट लगने वाली है मेरे. ठीक है, मैंने वो काम दिया हुआ है, क्योंकि अभी हर एक ब्रांच की सेपरेटली लिस्ट तो है हमारे पास, उसको सब कॉमन करके तीनों तीन जो टेस्ट होगी आपकी वो सारी की सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको. चौथा टेस्ट अभी सर्कुलर मोशन के ऊपर है, उसके बाद कंबाइंड टेस्ट होगा. क्या बताओ कंबाइंड टेंस मतलब? एक मिनट, कुछ चालू हो गया. सर आपका आपका आवाज माइक बहुत बैड नॉइज कर रहा है. एक मिनट
ठीक है गाइस, इतना इतना मैं जो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, मतलब अभी तक कोई ऐसे क्वेश्चन वगैरह आज सॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि आज बहुत सारा कंसेप्ट ही था। मुझे लगता है कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसी इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ू मैं या लिख के होगा है? नहीं हुआ आपका सर, वन मिनट, एक मिनट दो। हाँ साहिब, वो तो ठीक है, वर्कडन पार्ट वन एंड पार्ट टू में देखे जाए तो कि मैग्नीट्यूड वाइज तो वर्कडन पार्ट टू में ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन निगेटिव साइन लेके तो वन ज्यादा है। ठीक है, जैसे इस टेस्ट में जो मैंने टेस्ट दिया था वो कितने मार्क्स का टेस्ट था? 160 का था। तो 160 में से आपको मतलब आप 80 प्लस ला रहे हो, 80 मार्क्स प्लस ला रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो, मतलब आपका पढ़ाई जो है वो सही है। ठीक है, 50% से ज्यादा आना चाहिए अभी। ठीक है, 50% थोड़ा सा कम आएगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब जिसको आपको सपोज जिसको 20-30-40 आ रहा होगा उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, 80-60-70 भी एक हद तक चल जाएगा। मैं वो पेरेंट मीटिंग में बताऊंगा हर एक को आपको, पेरेंट मीटिंग में आपको, पेरेंट टीचर मीटिंग में ना आपको क्या करना है, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, वो आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। पहले अभी ये लिखो, ये हो गया लिख के ये होगा अपना पेरेंट टीचर पीटीएम होगा अपना अराउंड 31st October टाइप होगा, जो ये वाला है ना, मतलब जो सैटरडे संडे जो है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सैटरडे संडे तब होगा, दिवाली के पहले। हैलोवीन है सर, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टोटल वर्क तो अपने हो गए, टाइप्स ऑफ वर्क में भी आपने पता दिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, हर एक का वर्क कैसे करना है। वैसे ही दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और कौन सी एनर्जी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही होगा, गाइस पता नहीं पता? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर। हाफ एमवी स्क्वायर बचपन से पढ़ते हैं उसको, हम लोग काइनेटिक एनर्जी के ही लिखते हैं। ठीक है, जितना स्पीड ज्यादा उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग पढ़ने वाले, इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पी लिखता हूं मैं। ठीक है, और दूसरी हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये दो टाइप के एनर्जी अपने को अभी काम में आने वाले। बाद में थोड़े टाइम के बाद अपन जाएंगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, न्यूक्लियर एनर्जी आएगी, बहुत सारी एनर्जी होंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, उसको आपको पता ही है, हम लोग आइदर प्लस माइनस एमजीएच यूज करते हैं, एमजीएच क्यू मैं डिराइव करूंगा बाद में। स्प्रिंग एनर्जी में अपन हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको भी क्यू मैं डिराइव करूंगा बाद में, थर्ड लेक्चर में, एकदम सिंपल वाली चीज है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख के रखो। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एमवी स्क्वायर लिखो, पोटेंशियल एनर्जी में प्लस माइनस एमजीएच लिखो, स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखो, लिख के रखो सिर्फ। ये ऐसा क्यों होता है मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा, फिर इतना लिखते रखो।
चलो आगे जाएं। एक मिनट रुक। हाँ मैथ्स के भी लेक्चर आपके मतलब आतिफ सर के लेक्चर जो होंगे वो भी स्मार्ट बोर्ड पे होंगे, मैथ्स के भी लेक्चर होंगे। केमिस्ट्री के एट प्रेजेंट है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं, तो हम लोग उसको भी वो भी हम लोग एक कर रहे हैं, एटलीस्ट एक दो तीन फैकल्टी सब जगह पढ़ा है अपने ब्रांच, तो फिर उसके स्मार्ट बोर्ड पे जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट फिजिक्स एंड मैथ्स के जाएंगे, केमिस्ट्री के बाद में जाएंगे। ठीक है चलो ये कर लो, आगे 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 बढ़ो, मैं आगे कर लो। ठीक है तो टाइप्स ऑफ एनर्जी आपकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी है हियर। अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग जो भी चीज अब तक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे, देखो यहां पे मैंने एक ये चीज यहां पे थोड़ा सा तीनों तीन जगह पे मैंने कुछ एनिमेशन दिखाया हुआ है। ठीक है जहां पे हम लोग ने देखा है कि एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दिया ब्लॉक नीचे आता है, इधर से इधर इधर से छोड़ दिया इसको ब्लॉक नीचे आता है, देखो तीनों तीन जगह पे ब्लॉक नीचे आ रहा है। ठीक है और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये जो मैं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, वर्क डन नेट, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज माय फाइनल माइनस इनिशियल, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ work done by all the forces, देखो यहाँ पे work done by all the forces, ठीक है इसको मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू भी करूंगा, is equal to change in kinetic energy, this is my work energy theorem। अपन जितना भी अब तक जो भी पढ़ रहे हैं वो इसी के लिए पढ़ रहे हैं guys, ठीक है work done by all the forces equal to change in kinetic energy। ठीक है अब ये तीन क्वेश्चन है, केस वन केस टू क्वेश्चन, मतलब एक केसेस है, केस मतलब के क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पे बोला है ये देखो ब्लॉक है ना, ब्लॉक ये ब्लॉक जब इधर था इधर इनिशियली यहाँ पे था, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना था, इनिशियल स्पीड कितना था गाइस केस वन में देखो जीरो। जब ब्लॉक नीचे गिरा, जैसे ही नीचे गिरने को आए, देखो गिर के जमीन पे नहीं गिरा है वो, जमीन पे जस्ट गिरने के पहले, मतलब जब ब्लॉक इधर था, देखो ये ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ब्लॉक जब इधर आया तो इसका इसका फाइनल स्पीड कितना होगा, कुछ वी होगा ना, उसका फाइनल स्पीड कुछ वी होगा, वो वी कैलकुलेट करना है, वो आपको ना वी कैलकुलेट करना है कितना वो वी होगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अपना ये इसको हम लोग बोलते हैं भगवान वाला फॉर्मूला, मैंने बताया ना वर्क एनर्जी थ्योरम में, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था, एफ इज इक्वल टू एम ए, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब पूरे वर्क और एनर्जी में सबसे भगवान वाला फॉर्मूला कौन सा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म, एक ही फॉर्मूला है जो सब जगह पे लगता है। ठीक है अब वर्क डन बाय नेट, नेट वर्क डन क्या क्या होगा, ठीक है तो इस पूरे ब्लॉक के ऊपर, मैं इस पूरे ब्लॉक के ऊपर एक एफपीडी बनाता हूँ, कौन सा इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, मैं यहाँ पे ब्लॉक क्यों ना इधर मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, अभी इधर ब्लॉक घूम रहा है आप समझ जाओ। ठीक है तो मुझे तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स है, नीचे कौन सा फोर्स है, नीचे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी एमजी फोर्स है। ठीक है एच नीचे जा रहा है, तो अब मुझे होता है इस केस में, जैसे फर्स्ट केस में, इस केस में मैं इस केस में यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लगेगा, मैं इधर लिख देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और कुछ होगा क्या बताओ मुझे, एक ही तो फोर्स है ग्रेविटी भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस केस में व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम इनटू जी इनटू क्या, MGH, work done by gravity की value क्या होगी? MG, H भी नीचे, MGH, ये हो गया work done by gravity, is equal to change in kinetic energy, कितना change in kinetic energy? Final minus, देखो kinetic energy final, minus kinetic energy initial, final kinetic energy कितनी है? Half mv square, initial कितनी है? Initial का velocity कितना है? भाई initial velocity कितना है? Zero, तो मैं initial वाला minus zero कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है?
फाइनल माइनस इनिशियल भाई तो एमजे इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एमएम कैंसिल तो बीच वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ कितनी आ जाएगी, 2gh. समझ में आ रहा है कि मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है केसेस, मतलब क्वेश्चन है. चलो केस टू पे जाते हैं, केस टू पे जाते हैं, केस टू पे देखो ब्लॉक को यहां से ऐसा नीचे आ रहा है, जब ब्लॉक नीचे आएगा तो बोला है. अब मुझे बता इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस है, कोई भी जो म्यूट वाले अनम्यूट करके बताओ कि कौन से फोर्सेस है गाइस. केस टू में ना सर. हाँ केस टू में ना. हाँ केस टू में एमजी और नॉर्मल. बस एमजी एंड नॉर्मल. अब मुझे बता दो ही तो फोर्सेस है गाइस, दो ही फोर्सेस है. चलो एक ब्लॉक को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, ब्लॉक को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मास एम का, ठीक है. अब मुझे बता मैं कोई भी जगह पे ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे ये एमजी कहाँ पे आ गया, एमजी कहाँ पे आ गया गाइस, नीचे. नॉर्मल कहाँ पे है, ऐसे आया. तो मुझे बता दो ही फोर्सेस है, तो वर्क एनी थ्योरम क्या होगा, वर्क एनी थ्योरम क्या होगा, इसके क्या क्या होगा, वर्क एनी थ्योरम क्या होगा, वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय, फ्रिक्शन नहीं है, इट इज फ्रिक्शनलेस, इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन क्या होगा, अभी के लिए तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, सब पकड़ लो फ्रिक्शन जो है वो कितना है, जीरो. तो मुझे तो वर्कडन पे ग्रेविटी कितना होगा, कोई बोल पाएगा वर्कडन पे ग्रेविटी क्या है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे. mgh भाई, mgh कितना होगा, जीरो जीरो जीरो, क्योंकि ये नीचे वाला सरफेस क्या है, फिक्स्ड है. यस सर. फिक्स्ड है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, v आ गया स्पीड, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी इसकी, दोनों में जीरो. अब मुझे इधर भी फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो, इधर भी फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो. अब इधर मुझे होता कौन सा फोर्स है इसके ऊपर, एमजी और नॉर्मल, सेम चीज एमजी एंड नॉर्मल. तो इधर भी क्या वर्क, वर्क एंड थ्योरम क्या होगा, वर्क डन बाय, चलो दूसरे कलर में कर लेते हैं, एमवी आएगा रूट अंडर एमवी. मुझे होता आंसर क्या आने वाला है, डायरेक्ट गेस भी कर सकते हो, स्मार्ट हो गए आप लोग, बड़े हो गए, ठीक है. वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या, नॉर्मल, निकालने सिखा दिए थे. एक मिनट किसी का आपको सारे वर्क निकालने को सिखाया था, हो गया. आवाज आ रहा है क्या प्रॉपर सर, वैसे तो सर पहले हुआ था, मतलब जब आप पहले हुआ था, अभी हो गया ना, सब सेम हो जाएगा. एमएम कैंसिल हो गया तो बीच वाली कितने अंडर रूट सर, आपका वॉइस बहुत डल आ रहा है सर, आ रहा ही नहीं है, मतलब ऐसा है. नहीं नहीं वो किसी का कॉल आता है पूरा का. अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है. हाँ ठीक है, तो अब mm कैंसिल हो गया तो अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 2gh. तो मुझे तो केस 1 केस 2 केस 3 में शेप से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नो सर नहीं, ठीक है. तो यही तो केस हो गया गाइस, ठीक है. चलो मैं आगे के भी दो केस दिखा देता हूँ, फिर आप लोग लिखोगे, ठीक है. अब आगे जाते हैं, आगे तो मैंने छोड़ा है, इधर एक पेज छोड़ा है मैंने. हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता है पेंडुलम किया था अपन ने, पेंडुलम यहाँ पे सेंटर सी था, छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इनिशियली यहाँ पे था, कहाँ पे आएगा वो, नीचे यहाँ पे आएगा. बोला है कि जब यहाँ पे नीचे आएगा तो बोला इसका स्पीड वी कितना होगा, ऐसा बोला है. बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा वर्क होगा, कौन सा फोर्स है यहाँ पे, बताओ. टेंशन और ग्रेविटी. ग्रेविटी है, टेंशन है, ठीक है. मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस क्या, वर्क डन बाय क्या, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, जीरो का, जीरो. बाद में हो गया v,
मुझे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया MGL वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है MGL ना लेंथ है ना भाई ये ठीक है यस सर वर्क डन बाय टेंशन सर्कुलर मोशन में कितना होता है जीरो याद रखने का वर्क डन सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है ये जीरो हो गया तो चेंज इन काइनेटिक हो गई कितनी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर mm कैंसिल v की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ कितनी आई 2gl खत्म तुम्हारा काम खत्म समझ में आया सर देखो कितना इजी है कि नहीं है यस सर यस सर ठीक है अब लास्ट का क्वेश्चन इसके बाद अपन मैं आपको होमवर्क दूंगा और फिर आप करके लाओगे क्वेश्चन ठीक है एचसी वर्मा के और अगले लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे ठीक है ये सारे क्वेश्चन करने थे ये सारे एचसी वर्मा के क्वेश्चन मैं अगले बार सॉल्व कराऊंगा लेकिन आप खुद करके लाओगे ठीक है एकदम सिंपल ये आपको आ गया तो वो भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है टेंशन मत लो एकदम सर ये क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है हाँ मैं बताऊंगा वो सब सबमिट करना है ओके सर ठीक है आपकी जिंदगी अभी आपको लग रही होगी थोड़ी सी बेकार हो रही है अच्छी हो रही है अच्छी हो रही है हाँ तो वेरी गुड अच्छी होनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पे देखो ये लेंथ है आतिफ सर आ जाओ जरा इधर आतिफ सर आए हुए हैं अब यहाँ पे देखो ये मास m है इसका इनिशियल स्पीड कितना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो जीरो इधर पूछा है इसका फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा ठीक है देखो पहले सर को देख लो हाय सर भी इसके ऊपर जाएंगे हेलो सर ये कर सकते हैं हाय अच्छा है ना इधर थोड़ा सा ये भी किया था देखो ये वाला अभी आपको भी थोड़ा सा मैच जो है इनको पूरा का पूरा थोड़ा सा फील अभी तक फील नहीं आया क्योंकि अभी तक कैमरा हमारा सेट नहीं है ये तो मोबाइल के कैमरा से अपन स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं एक्स यहां से गिरेगा वाई यहां से गिरेगा जेड यहां से गिरेगा निकालने के बच्चे चलो बाय 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 सर बाय सर ठीक है अब यहां पे देखो यहां पे ये इनिशियल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी इधर जीरो है फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी वी तो अब यहाँ पे ये जो है ना ये सेंटर है देखो गाइस ये सेंटर है सी ठीक है छोड़ दिया इसको तो अब मुझे एक बात बताओ इस केस में कौन कौन फोर्स कौन कौन वर्क कर रहा है वर्क डन बाय क्या लिखेंगे अपन टेंशन ग्रेविटी इक्वल टू क्या करेंगे चेंजिंग क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी अब मुझे तो भाई ग्रेविटी का वर्क इसमें कितना होगा तुमको मैंने बताया था ये अपन ने किया भी था mgl 1 माइनस cos थीटा हां कुछ ये था राइट मतलब देखो ना यहाँ पे मैं निकाल के रखता हूँ यहाँ पे ये जो चीज था अपना ग्रेविटी का जो वर्क है उसके लिए सिर्फ ये लिया था अपन ने और याद है अपन ने l माइनस l cos थीटा किया था याद है नहीं है यस सर जिसको याद नहीं है थोड़ा सा अगला पिछला वाला लेक्चर देख लो ठीक है तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी था ना यहाँ पे वर्क डन बाय जो ग्रेविटी था दैट इज एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा था वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है जीरो जीरो होता है वो तो कुछ है ही नहीं वर्क डन बाय टेंशन तो हमेशा यहाँ पे भी जीरो है भाई यहाँ पे भी वर्क डन बाय टेंशन कितना है जीरो है कुछ फायदा ही नहीं उसका इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर अब एम एम कैंसिल हो गया तो वी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ कितनी आई 2gl 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कोई याद भी मत रखो ऐसा फॉर्मूला बिलमुला नहीं है फॉर्मूला सिर्फ एक ही है कौन सा तो यहाँ पे लिखा है वर्क नेट मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन व्हाट काइनेटिक एनर्जी यही भगवान वाला फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में ये आ गया तो आपका पूरा एचसीएल पास सॉल्व हो गया कोई दिक्कत है ना सर ठीक है तो इसको भी फटाफट ये चीज जो है सॉरी आगे गया पीछे जाते लिखो फटाफट चलो 5 केसेस लिखो अपना अपन इसके बाद लेक्चर को खत्म कर देंगे होमवर्क दे दूंगा मैं आपको समझ में आज पूरा का जो पढ़ाया एटलीस्ट समझ में आया यस सर यस सर यार कोई तारीफ ही नहीं करता एक वंशिल ने किया तारीफ तो तारीफ करो सर ऐसा कभी बोलो अच्छा सर सर अच्छा पढ़ाते हो सर तारीफ जरा किया करो जरा सर बहुत अच्छा सिखाया अच्छा पढ़ाया सर थैंक यू हाँ ऐसा कुछ बोलो थोड़ा सा कहना मतलब अच्छी अच्छी अच्छे सुनते हैं तो क्या फिर आदमी फटाफट ठीक हो जाता है मोटिवेशन ही अच्छा फटाफट वो तो पता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मैं वो so वो बहुत बोल अच्छा सेटअप है आपका तो ये मैं अभी क्या है ना यार मतलब थोड़ा सा हम लोग को भी मतलब मुझे भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना है और मुझे मतलब अलग अलग एनिमेशन वगैरह डाल के भी करना थोड़ा सा और एनिमेशन वगैरह डालेंगे ये तो छोटा छोटा एनिमेशन है अभी वो मतलब और इसके थोड़ा सा हाई फाई जाएंगे अपन
मैंने एक वीडियो बनाया, मैं सारे ग्रुप में ना वो वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ गाइज. वैसे मैंने 8-9 वीडियोस बनाए हुए, वो उसका एनिमेशन उसके म्यूजिक वगैरह देखो यूट्यूब के लिए. वो यूट्यूब का मैं बोला था सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना अपने को. तो इंट्रो टाइप कुछ बनाया क्या? देखो ना मैं आपको भेजता हूँ, बहुत मस्त है. आप मैं सारे ग्रुप में भेजता हूँ वो वीडियो, वो देख लो. मैंने वो पहले भी हॉट वाटर कोल्ड वाटर वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट देखो क्या क्या बनाया मैंने, मतलब क्या क्या किया हुआ देखते सर. और फिर उसको फैलाना है, ठीक है. जैसे आपके लिख के होता है मुझे बता दो, फिर अगले वाले पेज में जाऊंगा मैं. ठीक है गाइस, जैसे लिख के हो जाता है मुझे बता दो, फिर मैं आगे जाऊंगा, मतलब आगे के स्लाइड पे जाऊंगा, फिर खत्म. लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है. सर होमवर्क लेट भेजने की पेनल्टी क्या होती है? होमवर्क लेट भेजने की पेनल्टी जो होती है वो सब रिकॉर्ड होता है ना, मतलब कौन कब होमवर्क सबमिट कर रहा है. पेरेंट्स के सामने वाट लगती है, पेरेंट्स के सामने बस तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन तुमने अच्छे मार्क्स निकाले हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है. होमवर्क भी तुम लेट सबमिट कर रहे हो, अच्छे मार्क्स भी निकाल रहे हो. हाँ अभी फोन भी सब कुछ होगा ना, मतलब अभी पूरा फोन क्या, अभी पूरा मीटिंग ही होगा. अब धीरे धीरे क्या है, जो ऑफलाइन में अपनी सिस्टम थी वो हम लोग ऑनलाइन में ला रहे हैं फीडबैक में. मतलब आपकी प्रेजेंटी एब्सेंटी भी रोज मार्क होगी, आपको मैसेज आ जाएगा पेरेंट को कि लेक्चर में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है. फिर उसके बाद तुम्हारा हर एक का मार्क्स जो होता है वो मैसेज, मतलब वो मेल भी जाएगा. वो तो हम वैसे भी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी बात करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी दिया जाएगा. प्लस होमवर्क सबमिशन, अभी आपको देखा होगा ना होमवर्क में हर एक जगह पे जो बंदा मैंने होमवर्क में डाला हुआ है वो मेरा ही स्टूडेंट था, प्रीवियस स्टूडेंट, ठीक है. तो अभी वो सरदार पटेल में पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप कर रहा है, तो सिर्फ वो होमवर्क सबमिट होमवर्क चेक करने के लिए उसको रखा है मैंने. ऐसे अलग अलग लोग हैं, सिस्टम थोड़ा सा अच्छा करना है ना, मतलब टीचिंग तो टीचिंग के अच्छा एक टीचिंग से अच्छा एक सिस्टम भी होनी चाहिए प्रॉपर. अब आपका टेस्टिंग भी बढ़ेगा, आपका मैथ्स का भी अभी आ जाएगा अगले संडे से, मतलब मैथ्स एंड केमिस्ट्री आपका ऐड हो जाएगा फिजिक्स के साथ साथ. अब फिजिक्स आपका अच्छा हो रहा होगा ना, मतलब अभी काफी अच्छा खासा 3 चैप्टर्स का किया है, चौथा चैप्टर अपना तो पांचवा चैप्टर चल ही रहा है. अब सर्कुलर मोशन पढ़ो अच्छे से, ठीक है. तो फिजिक्स के देखो फिजिक्स के ऊपर ग्रीप आएगी ना तो ऑटोमेटिकली हर एक चैप्टर के ऊपर हर एक बाद में ना आप मतलब बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी ग्रीप आ सकती है आपकी, ठीक है. चलो इसको भी लिखो लास्ट में, ये लास्ट में लिखो और खत्म कर दो, ठीक है. और मैं भी मोबाइल तो निकाल रहा हूं. नाइस सर, आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं अभी पीडीएफ भेज ही रहा हूं, मैं पीडीएफ भेज रहा हूं सबको. यस सर. ये सर्कुलर मोशन का रिवीजन वगैरह नहीं है साहिब, वो तुम लोग देख लेना. मतलब उसमें आप जिन लोग का लिख के हुआ है निकल सकते हैं गाइस, जिन लोग का लिख के हो गया निकल सकते हैं. बाय गाइस, बाय बाय. बाय सर, होमवर्क. बाय गाइस, बाय. बाय सर, थैंक यू सर. बाय गाइस. बाय सर, थैंक यू सर. बाय गाइस. अच्छा, थैंक यू. बाय सर, थैंक यू. बाय गाइस. बाय गाइस. सर आप होमवर्क व्हाट्सएप पे डालेंगे? होमवर्क में होमवर्क व्हाट्सएप पे डालूंगा.
बाय सर, टेक केयर सर। चलो गाइस, थैंक यू सर, बाय गाइस, बाय सर, थैंक यू, यस यस, बाय बाय।